नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के मजीठा रोड पर स्थित गांव नाकला में क्वालिटी फार्मास्यूटिकल में लगी भीषण आग, 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। अमृतसर दिल्ली मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस ने एक युवक को रौंदा, हुई मौत। जालंधर के पीएपी फ्लाईओवर पर रेत से भरे ट्रक को लगी भयानक आग, यातायात हुआ ठप। अरब हलचल विस्तार से। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित गांव नाकला में दवा फैक्ट्री क्वालिटी फार्मास्यूटिकल में गत दोपहर भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण फैक्ट्री में पड़े 500 के करीब केमिकल ड्रम एक के बाद एक धमाके के साथ फट गए। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त फैक्ट्री में 1600 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, कर्मचारी बाहर की ओर भागने लगे। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही एयरफोर्स की गाड़ियों सहित 80 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। तो वहीं इस आगजनी के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। इस संबंधी डीएसपी मजीठा कमलप्रीत सिंह ने बताया कि गत दिवस क्वालिटी फार्मास्यूटिकल नामक दवाइयों की फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसे 15 के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आगजनी में 4 लोगों की मौत सामने आई है, जिसमें 3 नौजवान और 1 महिला शामिल है। बाकी फैक्ट्री में हुए नुकसान के बारे में फैक्ट्री मालिक की ओर से एस्टिमेट दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मृतकों के पारिवारिक सदस्यों द्वारा थाना मजीठा में पहुंचकर इंसाफ की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि आग लगने पर फैक्ट्री मालिक द्वारा उन्हें गुमराह किया गया था कि सभी मजदूर यहां से जा चुके हैं, लेकिन रात 12 बजे उन्होंने आग रुकने के बाद 2 नंबर गेट पर लाशें ढूंढकर बाहर निकाली हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिक द्वारा आग बुझाने के सुरक्षा प्रबंधों के चलते यह हादसा घटित हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, मैं वार्ड नंबर 1 तो, मेरी वाइफ काउंसलर वा, तो उतों का ही एक हाड़ी वार्ड का बेटा वा कुलविंदर सिंह साना उस सुखदेव सिंह उत्थे काम करता है, तो अग लगन कारण उसकी मौत हो गई। की कारण की तुम्हें लगा कि कारण सही अजे तक फैक्ट्री आ रहे ने किसी दसिया ही नहीं, क्योंकि जो ये भी गई फैमिली इन्होंने भी कहता भी ता बच्चा इतों ड्यूटी तो चल गया वा, जबकि इन्हें जाके कहा कि साढ़े मुंडे की बैग इतने लगी आ, जो चल गया तो इन्हें अपनी बैग थोड़ा छड़ के चल जाना इतने। तुम लगता है झूठ बोलिया जा रहा है? जरूर जी, की कोई ना कोई इन्हें नलायकी हैगी है जिदा करके नुकसान हो जाए। अं चाहते हैं कि सारे गरीब परिवार वा इन्हों बनता मुआवजा दिता जाए। किन्ने बंदे मर? 4 बंदे जी। एक औरत भी? एक औरत वा, 3 मुंडे आ, 1 औरत वा। तो हूँ प्रशासन की कह रहा तुम? प्रशासन तो अजे तसली देते दे कोई ना लिखती रूप से दे देना ज कुछ कर फिर ही पता लगे। इन्हों की मांग एक ही है भाई, पोस्टमार्टम तो हो देना वा जो हाड़ा कोई बह के निबण गए। तो 6 पैन के नाल मौत हुई है, कहते लिफ्ट के बेटा जरा बंद हो गया। लिफ्ट मर गई थले उतरन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी लिफ्ट होंगी? हाँ जी लिफ्ट। किन्ने जो तुम पता लगे कि किन्ने जने वे होर डैथ हुई? 3 जने होर। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ ਦੇ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫੋਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਬੁੱਝੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਆਇਆ ਵਾਂ
ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਸਫਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤ ਕੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਾਓ ਚੌਹਾਨਾ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁਖਯ ਮਾਰਗ ਪਰ ਸੁਬਹੇ ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਣ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬੱਸ ਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇ ਆਨੇ ਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਬਹੇ ਲਗਭਗ 4:30 ਵਜੇ ਕੀ ਬਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਖਯ ਮਾਰਗ ਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਓ ਜੱਬੋਵਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਆ ਰਹਾ ਥਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬੱਸ ਆਈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੀ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਤਾ, ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਬੱਸ ਕੋ ਭਗਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦੂਰ ਜਾਕਰ ਬੱਸ ਰੁਕ ਗਈ ਔਰ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਸੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਜਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਟਾਂਗਰਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਨਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਨਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਕੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੋ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਰੋਡ ਕੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि अमृतसर देहात पुलिस प्रमुख द्वारा लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विश्वास दिए जाने के बाद जाम खोल दिया गया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ये 4 बजे का एक्सीडेंट होया वा और 4 बजे पुलिस नु कॉल की गई भी इत्थे एक एक्सीडेंट होया वा। केड़ा अड्डा बस पैंदा है? चवाण चवाणी अड्डा। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਾਂਗਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਕੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਡਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਰਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾੜੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੌਸ ਪੈ ਪਾੜ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਂਗਰੇ ਥਾਣਾ ਚੌਂਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸੁਬਹਾ 4 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਪੰਨ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਬਾਂਦੀ ਕਰ ਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਢਿੱਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ 6:30 ਵਜੇ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ 4 ਵਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਦੀ ਕਰੀਬ, 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ PCR ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ PCR ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਚਾਰਜ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
जालंधर दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित पीएपी फ्लाईओवर पर रेत से भरे एक ट्रक में भयानक आग लगी। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं इस आगजनी में जानी नुकसान का बचाव रहा, लेकिन टिप्पर जलकर राख हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने बताया कि वे पठानकोट चौक से आ रहे थे और उन्हें वायरलेस पर मैसेज आया कि रामा मंडी से पीएपी फ्लाईओवर के बीच किसी ट्रक को आग लगी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं दमकल विभाग के लीडिंग फायरमैन नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पीएपी फ्लाईओवर पर आग लग गई है। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर टिप्पर पर लगी आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक ट्रक में अग लगी है, असं तुरंत दो गड्डियां कढ़ के अग वाली जगह से आके अग से काबू पा लिया। सर पता लगे कि ड्राइवर ही दस सकते रामा मंडी वालों आया ट्रक, अभी इधरों पठानकोट चौंक वालों सानू मैसेज मिले भी इदा करके ट्रक में अग लग गई छेती पहुंचे। इतने जो पहुंचे चलो साढ़े सब इंस्पैक्टर मनजीत सिंह आ उन्होंने अरेंज किया, फटाफट फोन किया, फायर ब्रिगेड वगैरह आई तो मौके पर आ सारा काबू किया। ट्रैफिक रोकी इधरों भी पिछों भी तो बहुत वधिया, चलो बचा हो गया, ज़्यादा ज़्यादा नुकसान नहीं होया। ट्रैफिक जी चलती सी बंद कर दिता, जी अमृतसर लौटती सी उन्होंने बंद करता, वो जो दोवे गड्डिया फायर ब्रिगेड दिन ने आके अग पर काबू। सर ट्रक लौट सी कोई ये ट्रक लोड है उत्ते पता नहीं मिट्टी है कि जा रेता है रेता है कुछ नहीं भाई आन डे ही शॉर्टकट हो गया रात लग गई। सर केड़ी जगह है अपने रामा मंडी आनंदपुर कितने चले सके मालक की नाम है इन्हों ट्रक का मालक तरनजीत प्रयाल कितने रहने वाले आ हाँ जी अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सीआईए स्टाफ की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब दो अलग अलग मामलों में दो दोषियों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए स्टाफ के अधिकारी बलविंदर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरजीत सिंह उर्फ काला निवासी गांव भीलोवाल थाना लोपोके जिला अमृतसर और रेशम सिंह उर्फ गौरी निवासी गांव बारसो को भैनी अमृतसर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि सुरजीत सिंह के पास से चोरीशुदा चार मोटरसाइकिल जबकि रेशम सिंह के पास से 55 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन का रिमांड हासिल किया गया है ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह इंचार्ज लगाया गया और सीपी साहब वालों तो सरदार प्रभजोत सिंह विर्क ए डी सी पी टू साहब वालों जिहड़ियां सख्त हदायत हुई कि जिहड़ा चोरों और समगलरां ते जिहड़ी बाज आ रखी जाए तो इन्हां ते जिहड़ा सख्त कार्रवाई की जाए ता जो आम पब्लिक आ वो सुरक्षित जीवन जिहड़ा वो जी सके। तो इस कड़ी के तहत असी जिहड़ा काम करदे हां जां मैं अपने साथी कर्मचारियों के नाल काफ़ी सख्त मेहनत करके तो जिहड़ा असी चार मोटरसाइकिल जिहड़े चोरी दे बरामद कीते है ते 55 ग्राम जिहड़ी आ हेरोइन बरामद कीती है। अमृतसर के गेट हकीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में उस समय माहौल हंसी मजाक वाला बन गया जब सरकारी विभाग की ओर से अधिकारियों द्वारा फैक्ट्री में रेड कर कार्रवाई करने की जगह खाली हाथ वापस जाना पड़ा और समय रहते ही आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक भी फैक्ट्रियां बंद कर वहां से रफू चक्कर हो गए और सरकारी अधिकारी असमंजस के इस माहौल में हाथ मलते रह गए, जिसके बाद सरकारी अधिकारी मीडिया के समक्ष सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ फैक्ट्रियों में सिंगल यूज लिफाफे बनाए जा रहे हैं और रेड के दौरान एक फैक्ट्री में चालू हालात में मशीनें और बड़ी मात्रा में गैर कानूनी निर्धारित किए लिफाफे मौजूद थे,
जब वे इस माल को जब्त करने लगे तो फैक्ट्री मालिक द्वारा एक महिला की मदद से उनके साथ गाली गलौज करते हुए उन्हें फैक्ट्री से बाहर कर फैक्ट्री को ताला लगाकर फरार हो गए और इस सारे घटनाक्रम के चलते बाकी फैक्ट्री वाले भी फैक्ट्रियां बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसके चलते इस संबंधी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा दी जाएगी और बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नहीं, ये इस वेले असी फैक्ट्री के अंदर नहीं जी, बाहर खड़े हैं। असी सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि सरकार वालों बैन करता गया होया, असी उस सिलसिले दे विच चैकिंग कर रहे सीगे। असी इस तो पहला एक फैक्ट्री जी सिंगल यूज प्लास्टिक के चमचे फड़े सी, उस तो बाद असी इस एरिया दे विच आए सीगे बैकसाइड थाना कीमा दे। इत्थे एक सिंगल यूज प्लास्टिक के लफाफे बनाने की असी फैक्ट्री फड़ी सी, वो तुसी अपने इंटरव्यू भी देखिया सारा, उन्हां दी वीडियोग्राफी की है, मशीन चल रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक के ढेर लगे हुए है। वो जिहड़ा मालक सीगा वो साढ़े दे नाल, जदों हर बंदा फड़िया जांदा गलत काम करदे होए तो वह झूठे सच्चे एलीगेशन लगाउण लग पैंदे भी ये किसी साजिश के अधीन आए है, ये लोगों को बाकियों को क्यों नहीं जाते। इत्थे मैं तुहानूं दस दवां, असी बग्गियां दे कटरे भी, अंदरून शहर भी, शहर दियां होर जगह पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्लास्टिक के गलास, कटोरियां, चमचे फड़ चुके हैं। असी अज भी इतने चैकिंग करना आए, कितने सिंगल यूज प्लास्टिक के लफाफे तो नहीं बनन दे पे। असी जो फड़ लिया वो बंदे ने सानू धमकाना शुरू करता कि तुसी किसी साजिश अधीन साढ़े को आए हो, लेकिन असी अपना काम जारी रखिया। असी उहदे सिंगल यूज प्लास्टिक के लफाफे जिहड़े आ पैक करते रहे। उस बंदे ने बाद विचों की कीता, साढ़े ते झूठे सच्चे एलीगेशन लगान तो बाद जो असी उहदी गल नहीं सुनी, किसी भी तरह के लालच में असी नहीं आए, उस बंदे ने एक लेडी नूं अगे करके साढ़े नाल मंदा चंगा बोलना शुरू करता। वो लेडी ने उच्ची उच्ची साढ़े नाल होर तर मतलब गलत गल्लां करनी शुरू करतीयां। अल्टीमेटली क्योंकि वो लेडी सीगी, सानू हौली हौली करके उन्होंने गेट वाले पासे लैन दा, जिस तरह ही असी सारे गेट तो बाहर आए हैं, जिहड़ा इस फैक्ट्री का मालक सी, जिहड़ा कि तुहाडी इंटरव्यू दे विच बयान भी दे रहा है, वह मालक शटर सुट के ते हुण इत्थों दौड़ गया। मैनूं रोक नहीं सकते, अपना मैं तुहानूं वाई शुड आई लिफाफा किन्ने बंदा पिया। ये अमृतसर 17-18 फैक्ट्रियां ने, मैं इन्हां दी बांह फड़ के ले जाना वा, सारा 17-18 फैक्ट्रियां बंद करन और मेरी भी सुनवाई की जाए कि मैं जे कहते ना बनाना वा तो इन की छतर छाया च नहीं बना। 17 फैक्ट्रियां पता नहीं कि छतर छाया चलदियाँ पईआं ने, तो इन्हां नूं मैं मेरे नाल चलदियाँ, मेरे अगे चलदियाँ, मैं मेहरबानी कहना मैनूं नाल लैन ते मैं 17 दियां 18 फैक्ट्रियां बंद करवाण। तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे ने, ये जो कह रहे ने सही कह रहे, लेकिन वन साइड ना करन, वन बंदे ते ना एक्शन करन, सारे अमृतसर दे करन, सारे पंजाब दे करन, सारे पंजाब दे करन। ये बहुत वधिया अफसर ने, एडे वधिया अफसर ने, इन्होंने अज तक किसी नूं तंग नहीं किया, लेकिन अज मेरे को आए ने। मैं इन्हां नूं रिक्वेस्ट करना वा कि मैं इन्हां दे नाल गड्डी च बहना वा, फैक्ट्रियां दसना वा, इन्हां नूं नहीं पता होना फैक्ट्रियां दा, मैं दसना वा कि महकमा बंद कराण, सारियां फैक्ट्रियां बंद कराण। मैं ते मनना पिया वा जी, मेरे को पुराना माल पिया है, मैं कट्टण डिया वा, इक्को चल रही है मशीन, इक्को ही लेबर है। मेहरबानी कर डॉक्टर साहब नूं कहना कि मेरे नाल बैठो, मेरे नाल चलो, कमिश्नर साहब नूं नाल लवो, पोल्यूशन अफसर नाल लवो, मैं आप सारे काम रोकण लई तैयार हाँ। पंजाब में धान की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। थोड़े समय बाद आपको आसमान में धुएं के बादल दिखाई देने शुरू होंगे। पहले बड़े स्तर पर पंजाब में धान की पराली को आग लगती थी, लेकिन इस बार ये मुसीबत थोड़ी कम नजर आएगी, क्योंकि ज्यादातर किसान पराली को आग लगाना छोड़ चुके हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से भी किसानों को पराली को खेत में आग ना लगाने के बदले कुछ सहूलतें और धान की पराली को खेत में ही नष्ट करने और उसको उठाने के लिए कई तरह की मशीनरी सब्सिडी पर दी जा रही हैं। अब तो पंजाब में पराली से बायोगैस, बायोकोल, ईंट बनाने के लिए भट्टे में ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगी है। ये तस्वीरें संगरूर के महसीमपुर गांव की हैं, जहां किसान अपने खेत में धान की पराली को पिछले कई वर्षों से आग नहीं लगा रहे और इस बार भी वे अपने खेत से धान की पराली की गांठें बांध कर उठवा रहे हैं। कंपनी खेत से पराली को इकट्ठा कर ले जाती है, जिससे किसानों को पराली से निजात मिल रही है। वहीं सैकड़ों लोग
लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। नाम धर्मजीत सिंह है जी। देखो सानू तो ये फायदा तो जी देखो जी मशीन है जी उन्होंने बिकती है अगे सानू तो फायदा यह है भी वातावरण नहीं दूषित होगा जी, अग नहीं लगेगी, धरती नहीं खराब होगी जी, पशु पंछी नहीं उपरों खराब हो गए जी, मतलब फर्क तो यह है भी वातावरण साफ सुथरा रहूगा जी। अच्छा असी इन्होंने अग लाई जी 2018 तो असी हैप्पी सीडर नाल बिजाई करते रहे जी, एस एम एस नाल वढ़ के खड़ी पराली दे विच असी कणक बीजते रहे। साढ़े खेत दे विच संगरूर दे जिहड़े अपने खेतीबाड़ी विभाग के मुखी सी सरदार बलदेव सिंह वह आके देख के भी जाते रहे जी, अपनी टीम नाल लैके आते रहे जी, भी असी 2018 तो नहीं असी अग लाई जी, असी उदू बाद हैप्पी सीडर आ गया, असी हैप्पी सीडर नाल बिजाई करते रहे जी, हुण गठां दीआं मशीनां आ गईआं जी, गठां बनाउण लग गए जी। राणा भाई सरबजीत सिंह है, पिंड मेरा भुल रेड़ी है। सरकार वालों सबसिडी ली असी इहदे दी ते मशीन नवीं ली हैगी। अच्छा जिहड़ा डंप बनिया गया पला सौर उत्थे साडी फैक्ट्री वालों डंप ले दिता गया, उत्थे असी सारी पराली इकट्ठी कर देंगे, उदू बाद फिर फैक्ट्रियां च जाऊगी उत्थों। अच्छा बहुत बंदे रुजगार मिले है, 30-35 तो लेबर है जी इकट्ठा करती हैगी, बाकी ट्राली ट्रैक्टर होर ड्राइवर काफ़ी बंदे रुजगार मिले है। पंजाब सरकार का यह बहुत बढ़िया उपराला जिहड़ा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2-3 ਪਿੰਡ ਨੇ ਛੱਡ ਲਵੇ। मोगा में रूमी वाले बाबा जी की ओर से 100 किलोमीटर के 40 अस्पताल में बहुत समय से गुरु का लंगर चलाया जा रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा जी ने बताया कि ये लंगर 12 वर्ष से चलाया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो बड़े अस्पताल हैं उन सभी में भी उनकी ओर से लंगर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश है कि अस्पताल में कोई भी रोगी या उनका रिश्तेदार रात को भूखा ना सोए, इसलिए उन्होंने अस्पतालों में जाकर ये लंगर शुरू किया है। मोगा से हलचल के लिए निशि मनचंदा की रिपोर्ट। दुनिया के हर कोने कोने उत्ते लंगर चलता है और देश का हर गुरद्वारा साहब के लंगर चलता है। अगर आप गल करिए मोगा की तो मोगा दे पिंड रूमी है जोड़ा कि रायकोट के कोल है, उतों के कुछ सिख लोग जो कि हर हस्पताल के लंगर वरताते हैं और तकरीबन डेली 40 के करीब हस्पतालों के आप आके लंगर वरताते हैं। ये जोड़े सिख है ये कोई भी अपना दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, मीह नहीं देखते, हनेरी नहीं देखते, इन्हों की लगातार 12 साल तो ये वाली सेवा जारी है। हुण मेरे नाल बाबा जी है, उन्होंने आप करते हैं कुछ गलबात, उन्होंने तो आप सारी ये वाली चीज़ बारे जानकारी लें। बाबा जी तुसी बहुत टाइम तो लंगर की सेवा शुरू की हुई हस्पतालों के, कितना टाइम हो गया? देखो जी ये 12वां साल शुरू हो गया। ये धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के प्रकाश पर्व से सेवा आरंभ हुई सी। अपना मिशन यही सी भी गुरु का लंगर उत्थे लेके जाइए जिथे लोड़ आ। हुण आपां जद्दी पिंड रूमी अपना जगराऊं तो रायकोट रोड से उत्थे पिंड आपां जिवें अगे गल कर रहे सी उत्थे कोई गुरु घर जां कोई डेरा नहीं है, वह घर ही है, जिवें घर नहीं हुंदे नॉर्मल अपने, उस घर नूं सतगुर दे भाग लाए ने। उत्थों डेली आपां तकरीबन 40 तो वध हस्पताल ने जिहदे विच आपां मोगा सारा कवर करते हैं, बदनी जगराऊं अते लुधियाणा, ये आपां एरिया 40 तो वध हस्पताल ने। तो वो लोग ने अपने 300 किलोमीटर की एरिए कोई भी इस तरह का परिवार हो जिदे सिर पर छत नहीं है, घर चुल्हे नहीं तपते, वक्त दियां मारां ही इस तरह दियां पईआं ने, वो भावें बच्चे ने भावें बजुर्ग ने, इन्हां सारियां संगतां लई ये गुरु के लंगरां की सेवा चलती है जी। बाबा जी हुण तो लैके तुसीं फिर कितने के डेली तुसीं अपना ये दाल बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कितना के प्रसादा बना रहे हो? जी जी देखो जी ये बहुत बड़े रूप में बनता, तकरीबन 3000 इंसानों का लंगर होंदा इक्को दिन का। जिवें हुण गड्डियां खड़ियां, ये गड्डी खड़ी आ अर्शदीप सिंह खड़े ने, ये भराइयां ही दोनों, ये गड्डी ने कवर करना हुंदा मोगा जगराऊं बदनी, तो इधर अपनी दूजी गड्डी खड़ी आ जीप की जगह, तो ये गड्डी ने कवर करना लुधियाणा। ये आप जो आप गल करिए राशन की, ये तकरीबन 2 क्वांटल आटा पकदा डेली का, तो 2 क्वांटल 40 किलो दुध आ इक्को दिन का, तो 2 क्वांटल दाल आ, 1.5 क्वांटल खिचड़ी है जी, एक दिन की रस दी है जी। बाबा जी जिवें इन्ना सारा लंगर पकदा ये किस अपने किसते सहयोग नाल बन रहा? ये देखो जी ये धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का कारज आ, श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का कारज आ। उन्होंने जिहड़ा 20 रुपयां का लंगर लाया सी, असल में उस टाइम आप 20 रुपये कह दें, वैसे जी अज के आप हिसाब नाल करिए कई करोड़ रुपया बन जाना उस टाइम के 20 रुपयां का। तो जिनी गुरु साहब नूं पूंजी मिली सी अपनी जिंदगी विच कुछ कार्य करनी है, गुरु साहब जी ने सारे भुखे साधुओं का मतलब ये नहीं भी कल्ले साधु ही, भी जिन्हों नीड आ जिन्हों लोड़ आ
उन्हां वास्ते लंगर चलिया ते संगतां ही कर रहियां ने। अज भी गुरु साहब ने सानूं शरीर रूप विच अग्गे लाया होया, पर घर आपां रल मिल के रहे हां, भावें असीं पिंडों पिंडी गजा भी करदे हां सवेरे। गजा तुसीं समझदे वी घर घर जाके होका लाउणा हुंदा वी, कोई दुध पा दो, प्रशादा पा दो, बाकी सुक्का सीधा राशन आउणा। दुध की सेवा जिहड़ी हुंदी आ संगत नूं दसीदा वी दुध दे नाल लगदा, तुसीं सानूं डायरैक्ट दुध डेयरियां तों चुका दो, साडियां गड्डियां विच डीजल पैणा, सानूं डायरैक्ट तुसीं पंप तों उत्तों डीजल पवा दो। इस तरह बस गुरु साहब आप ही करा रहे ने, सानूं कुछ नहीं पता। सानूं इन्ना पता भी ये सेवा भावें मीह होवे, झक्खड़ होण, तूफान होण, भावें राहां च मौत खड़ी होवे जिवें करोना टाइम सीगा, पर यह सेवा निर्विघन जारी रहिंदी आ। अज तक कोई नागा नहीं है सेवा दे विच, ना ही गुरु साहब जी की कृपा नाल पैणा है। मिशन यही हुंदा भी उन्हां लोकां तक, हस्पतालां तक, भावें कितें भी बैठे आ जिन्हां लोकां नूं लोड़ आ, वक्त की मार पई हुई आ, वक्त दीआं मारां, जिहदे कहिंदे भाणा कहिणा ते भाणा सहिणा, दोनों गल्लां च बड़ा अंतर हुंदा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के मजीठा रोड पर स्थित गांव नाकला में क्वालिटी फार्मास्यूटिकल में लगी भीषण आग, चार लोगों की मौत, दो गंभीर घायल। अमृतसर दिल्ली मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस ने एक युवक को रौंदा, हुई मौत। जालंधर के पीएपी फ्लाईओवर पर रेत से भरे ट्रक को लगी भयानक आग, यातायात हुआ ठप। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।